इसमें आप जा नहीं सकते। अभी एक पायलट सस्पेंड हुए, मेन पायलट वॉशरूम के लिए बाहर आता है, ये क्या कर रहा है पता है? जहाज बंद कर लिया, क्या फुल स्पीड में करके पहाड़ था उसी के डायरेक्शन में करके जहाज को आराम से छोड़ दिया। पायलट कहाँ बैठता है? कॉकपिट में, एकदम यहीं बैठता है। दो गो सीट होता है यहाँ पे, यहाँ तो अकबर अडार लगा होता है यहाँ पे। जाजिया एकदम पहले कौन बैठा होता है यहाँ? इसे इस केबिन को क्या कहेंगे? कॉकपिट। इसमें आप जा नहीं सकते। अभी एक पायलट सस्पेंड हुए हैं कुछ दिन पहले, उनका बर्थडे मना रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चल गए थे, उसमें अपनों गई, इन्हों को सस्पेंड कराइए, लाइसेंसों कैंसिल हो गया। क्या जरूरत है वहाँ करने, ये सब वहाँ रिस्क का बात है। यहाँ पे बर्थडे मनाए खाती, अरे इस पे मना लो बर्थडे, अरे जाओ जहन्नुम में, अपने जाना है जाओ, दूसरे की जान को लेके कहे जाते हैं यहाँ पे। ये तो हाल होता है यहाँ पे। बताइए बर्थडे बनाने का जगह है कॉकपिटवा में, उसमें कुछ गिर उड़ गया बर्थडे में, कुछ गिर गया, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक गिर गया कुछ, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वो सारा बहुत सेफ्टी का जगह होता है, वह इनका बर्थडे मनाएंगे, ले जाए यहाँ से। सस्पेंड कर दिया उनको, लाइसेंसों कैंसिल कर दिया। बहुत हार्ड डिसीजन, बहुत कड़ा नियम होता है DGCA का यहाँ पे। 2018 की घटना है, 18 या 16 की। एक पायलट था, उसका फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। बहुत लोग हैं जिनका फैमिली डिस्प्यूट चलते रहता है यहाँ पे, बड़ी नरक हो जाती है उन बेचारों की जिंदगी, समझना है, बहुत नरक हो जाती है। कुछ लड़के हैं जिनके साथ कितना भी शरीफ लड़की रहेगी जिंदगी नहीं बिता सकती है, और कुछ लड़कियां भी हैं कितना भी कॉम्प्रोमाइज वाला लड़का रहेगा जीवन नहीं बिता सकते, बड़ी उटपटांग, बाप रे बाप। तो उसका कुछ होगा डिस्प्यूट। 2018 की घटना, कितना दिन हुआ होगा यहाँ पे। दो वो पायलट होते हैं सब, एक होता है मेन पायलट लेफ्ट साइड में बैठता है, और जो राइट साइड में बैठता है उसे फर्स्ट ऑफिसर कहा जाता है, वो सेकेंड इन कमांड होता है। तो इधर बैठा हुआ था अपना, मेन पायलट वॉशरूम के लिए बाहर आता है, तो ये क्या कर रहा है पता है? दरवाजा बंद कर लिया। 9/11 हमला होने के बाद जब अमेरिका में विमान दुर्घटना हुई थी, तो एयरलाइन कंपनियों ने इतना मजबूत दरवाजा बनाया ना कि टूटिए नहीं सकता है, क्योंकि एयर होस्टेस ने रोकने की कोशिश की थी आतंकवादियों को, पायलट ने भी अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, खोल लिया सभी सब। तो उसने क्या, तो दरवाजा आजकल ऐसा बन रहा है ना कि जब तक अंदर से पायलट नहीं खोलेगा आप नहीं खोल सकते हैं, वो अंदर से बंद कर लिया, और उसका पासवर्ड इन्हीं दोनों पायलट को पता रहता है। लेकिन पासवर्ड भी डालिएगा तो अंदर एक रिक्वेस्ट जाएगा जो अंदर बैठा पायलट है कि पासवर्ड एक्सेप्ट करेगी नहीं, उसको ही बंद कर दिया, उसके खोलने का सारा रास्ता खत्म। एक पायलट बाहर है और खोलिए नहीं रहा है, उसके आप फुल स्पीड में करके, एक 60-70 किलोमीटर दूरी पे पहाड़ था उसी के डायरेक्शन में करके जहाज को आराम से छोड़ दिया। जहाज में वार्निंग दे रहा है, पुल अप, ऊपर खींचो, क्योंकि रडार जो होता है सिग्नल में देख लेता है ये आगे क्या है, पुल अप चिल्ला रहा है, साउंड बाहर आ रहा है, ये ढक 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 पीट रहा है यहाँ पर, और बाहर से लोगों को दिख रहा है कि पहाड़ के इतना पास आ गया, ले आकर धड़ाम से ला दिया। किस में? पहाड़ में, अपने गया सब जगह गया, ऐसा खतरनाक है सब। हम जहाज में बैठे थे ना, तो न्यूजवा जब हम देख रहे थे तो साउंड वा बढ़ा दिए थे हम, तो उसको हम जानबूझ के डाउनलोड करके रखे थे कि जब हम जहाज में बैठेंगे ना तो थोड़ा सा आवाज तेज कर देंगे, ताकि जो आवाजिया तेज कर दिए तो अगल बगल का आदमी सुना कि क्या क्या घटना हुई थी। पूरा बेचारों का डर रास्ता मूड खराब था। कोई कोई सोचा होगा कि हम इंजॉय करते हुए जाएंगे जहाज का सफर, बेचारा सब टेंशन में गया। ये क्या करिए, आप जहां रहिएगा वहां कोई इंजॉय कर पाएगा? ऐसा बात है जी, लेकिन हकीकत ऐसा बात है। सच में कभी कोई पार्टी उटी होता है, जैसे 1 जनवरी हुआ, कोई हो गया तो सब लोग का पार्टी उटी होता है, तो जब यहाँ लोग खाना पीना खाते हैं वहां नहीं खाते हैं, वो बेचारा लिहाज में आराम आराम से खाएगा। अरे हम लोग को 75 को काम धड़बड़ खा पी के उठ गए लोग यहाँ पे, इसलिए जोड़ देते हैं यहाँ पे। अभी गया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है ना गया, तो वहाँ हम संडे को कल गए थे वहाँ पे, तो जनरल साहब थे वहाँ पे, तो सब लोग ऑफिसर बेस में खाना खा रहे थे, तो जनरल साहब बोले कि जानते हैं हम सर अभी ये सब और खाता सब, हम बैठे क्योंकि सेना के जनरल हैं भाई, लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो भाई लेफ्टिनेंट जनरल एक एरिया का सर्वे सर्वा होता है, तो कहे कि देखिए ये सब एकदम अभी और खा लेता ये लोग, लेकिन अभी नहीं खाया है। और हंसने का भी उन लोग का मन हो रहा था ना कुछ कुछ बात पे, तो नहीं हंस रहा था लोग एकदम, कौन है भाई जनरल सर है यहाँ पे।
हमारे यहां भी वही होता है। अभी नेपाल में एक प्लेन दुर्घटना हुआ था एक साल जस्ट पहले पोखरा एयरपोर्ट पे, और जैसे हम जहाज में चढ़ रहे थे ना तब तक न्यूज आया पोखरा एयरपोर्ट पे विमान दुर्घटना, उसको ही फुल साउंड कर दिए थे। विमान दुर्घटना फुल साउंड में हुआ और हम चेहरे पे ना उस पे देखते हैं ना कि जिसकी बेचारों की शादी ब्याह हो गई है बाल बच्चे हैं उनका हम चेहरा रीड करते हैं, कितनी जिम्मेदारी होती है एक फैमिली की। यहाँ पर फुल साउंड कर देंगे देखेंगे कौन ज्यादा टेंशन में है, और जहाज टेंशन में रहता है सब तो होता है विमान दुर्घटना। लेकिन सबसे सुरक्षित वायु यात्रा कौन है, सबसे सुरक्षित यात्रा का माध्यम वायुयान, सबसे सेफ माना जाता है। कौन सा दुर्घटना है जिसमें कोई नहीं जाता है, सबसे ज्यादा खतरनाक तो सर मोटरसाइकिलिया वाला है सर, इसे जो चलता फिरता ही हमराज है सब, मार के मार देगा सब दूसरे में है, वो बच जाएगा दूसरा का उदिया जाता है, और ऐसा बहुत खचरा ही करता है सर।